इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं नगर निगम बरेली, स्वच्छ बरेली, सुंदर बरेली। नमस्कार दोस्तों, अपना प्रदेश परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नजर डालते हैं इस बार के अंक पर। रन फॉर यूनिटी पर जमकर दौड़े लोग, आपसी सौहार्द और भाईचारे की पेश की मिसाल। केले की खेती से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं बहराइच के किसान गुलाम मोहम्मद। बच्चों को स्कूल के प्रति आकर्षित करने हरदोई के अध्यापकों ने शुरू की अनूठी पहल। सरदार पटेल की जयंती पर पिछले कुछ वर्षों से एकता दौड़ का आयोजन किया जा रहा है, परंतु इस बार यह आयोजन काफ़ी बड़े स्तर पर किया गया। इसमें बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक हर उम्र हर वर्ग के लोगों ने एकता की दौड़ लगाई, साथ ही आपसी भाईचारा और सौहार्द की एक मिसाल कायम की। पेश है जनपद महोबा से विजय सिंह और फिरोजाबाद से ब्रजेश राठौर की यह रिपोर्ट। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती के अवसर पर देश भर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें पूरा देश दौड़ लगाता दिखाई दिया। देश की राजधानी में दौड़ का आगाज गृह मंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने झंडा दिखाकर किया। वहीं जिम्नास्ट दीपा कर्माकर सहित कई अन्य खिलाड़ी भी मौजूद रहे। देश के कई बड़े राज्यों में लोग एकता का संदेश देते हुए दौड़े। दिल्ली के अलावा मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र आदि में लोग जमकर दौड़े। इस कार्यक्रम का आयोजन बीते साल भी हुआ था। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों को पटेल के बारे में बताते हुए कहा कि उन्होंने देश की आज़ादी में अपना पूरा जीवन बिता दिया। उन्होंने देश को रियासतों में बंटने से भी बचाया। इसी कारण से उनकी सरकार ने सत्ता में आने के बाद रन फॉर यूनिटी मनाने का निश्चय किया। दुनिया की ये सबसे ऊंची प्रतिमा पूरी दुनिया को, हमारी भावी पीढ़ियों को उस व्यक्ति के साहस, सामर्थ्य और संकल्प की याद दिलाती रहेगी। प्रदेश में इस अवसर पर प्रत्येक जनपद में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के आला अधिकारियों समेत जनप्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। जनपद महोबा में CGM, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस अधिकारियों ने दौड़ लगाई। महोबा के पुलिस लाइन में आयोजित हुए इस कार्यक्रम के दौरान DM सहदेव कुमार ने सरदार पटेल के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज पूरा देश एकता के लिए दौड़ रहा है। इसके अलावा उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए सभी योगदान दें। इसमें बढ़ चढ़ कर लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासनिक लोगों ने, पुलिसकर्मियों ने, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग किया। और आज के दिन जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जीवनी से हमें सीख मिलती है, उसके बारे में हम सभी ने उनसे ग्रहण किया, उनके विचारों को। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने सरदार पटेल को देश का लौह पुरुष बताते हुए कहा कि ऐसे महापुरुष को नमन करते हुए गर्व महसूस होता है। साथ ही लोगों से अपील की है कि भारत के निर्माण और विकास के लिए सभी को सरदार पटेल जैसी सोच व जज्बा रखना चाहिए। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता भरसक प्रयत्न करूँगा। सरदार पटेल अमर भारत माता के। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती इस बार ऐतिहासिक तरीके से मनाई गई। रन फॉर यूनिटी में जिले भर की विधानसभाओं में आयोजन हुए, जिनमें सभी विधायकों ने भी हिस्सा लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाने से पहले सांसद विधायकों ने कहा, सरदार पटेल के महान कार्यों को याद करना और महान संकल्पों को लेकर जीना मरना देश के हर युवा का दायित्व है। पटेल जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार की तरफ से एकता की दौड़ रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम हमारी विधानसभा सभा के पाली नगर में किया गया। जिस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ी मूर्ति सरदार पटेल की लगा करके उनको श्रद्धांजलि दी है और देश का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया। हम नतमस्तक हैं प्रधानमंत्री जी के इस कार्य पर। भारत का सम्मान उनके कार्यों के कारण बढ़ा है। वे लौह पुरुष के रूप में केवल अखबार में छापे जाने की वजह से नहीं माने गए। सरदार पटेल का देश की एकता से अटूट नाता है और वे अपने फैसलों की वजह से पटेल से लौह पुरुष बने। उन्होंने शक्ति और समझदारी से फैसले लिए, तब जाकर वे लौह पुरुष कहलाए। भारत की एकता के लिए सरदार पटेल का योगदान कम नहीं आंका जा सकता। एक स्वर में नेताओं ने कहा कि अंग्रेज चाहते थे कि आज़ादी के बाद भारत एकता के सूत्र में न बंधे, इसलिए उन्होंने अपने शासनकाल में विभाजनकारी नीतियों के बीज बोए, लेकिन सरदार पटेल ने भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया। चाणक्य के बाद भारत को एकता के सूत्र में सरदार पटेल ने बांधा। एक भारत श्रेष्ठ भारत बने, इसके लिए 125 करोड़ देशवासियों का सामूहिक पुरुषार्थ जरूरी है। विशेष तौर पे हम लोगों ने फिरोजाबाद में
अपने हर तहसील हेडक्वार्टर पर करवाया है इसको। हमारे शहर में भी जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है वहाँ पे बड़ी तादाद में बच्चे इस रन फॉर यूनिटी मैराथन कार्यक्रम में उन लोगों ने सहभागिता की है। आज हम लोगों ने ज़िला मुख्यालय पे सभी जनपद स्तरीय अधिकारी हमारे कर्मचारी वर्ग भी साथ में था और कुछ स्कूल के बच्चों के साथ में इसको यहाँ पर आयोजित किया। दोस्तों अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। उत्तर प्रदेश सरकार वर्षों से लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा कर रही है। इसी कड़ी में योगी सरकार के अथक प्रयासों से श्री नरेंद्र मोदी ने बाणसागर परियोजना को 15 जुलाई 2018 को किसानों को समर्पित किया। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की घोषणा की, लगभग 1,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की बाणसागर सिंचाई परियोजना के लिए प्रदान किए। ये महत्वाकांक्षी परियोजना यूपी के मिर्जापुर और इलाहाबाद जनपद के किसानों के लिए लाइफलाइन भी कही जा रही है। इससे हलिया, लालगंज, नारायणपुर, जमालपुर, कोराव, मेजा एवं मांडवा क्षेत्र बहुत लाभान्वित होगा। जिस तरह दशकों से रुकी पड़ी इस परियोजना को प्रदेश सरकार ने तेजी से पूरा किया वह एक मिसाल है। सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। महालक्ष्मी आप सभी को सुख समृद्धि एवं संपन्नता प्रदान करे। वरदान जैविक खाद यानी खेत का अमृत वरदान करता है। भूमि के स्वास्थ्य में वृद्धि, उपज में बढ़ोतरी, लागत में कमी यानी किसान की तरक्की ही तरक्की। 20 किलोग्राम वरदान के प्रयोग के बाद फास्फेट, पोटाश, जिंक सल्फर जैसे किसी भी रासायनिक उर्वरक की जरूरत नहीं। केवल 3 सीजन तक नत्रजन का प्रयोग करना है। भूमि जनित रोगों से मुक्ति, उत्पादन ज्यादा, स्वाद बेहतर। प्रकृति में पाए जाने वाले लाखों प्रकार के लाभदायक सूक्ष्म जीवाणुओं का कल्चर है वरदान। जैविक खेती के लिए वरदान है वरदान। बुंदेलखंड ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड, झांसी। 8005174865। सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। महालक्ष्मी आप सभी को सुख समृद्धि एवं संपन्नता प्रदान करे। समस्त देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप सभी को धन, यश और समृद्धि प्रदान करे। सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। महालक्ष्मी आप सभी को सुख समृद्धि एवं संपन्नता प्रदान करे। यश अग्रवाल, चेयरमैन कॉन्सेप्ट कार्स एवं कॉन्सेप्ट हीरो की तरफ से समस्त जनपद वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं विकास सोनी, उपखंड अधिकारी विद्युत वितरण उपखंड ओड़ई, तहे दिल से नगर के समस्त अधिकारियों, सम्मानित नगर वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। महालक्ष्मी आप सभी को सुख समृद्धि एवं संपन्नता प्रदान करे। हमारे देश में खेती को एक ऐसा पेशा माना जाता है जिसमें कठोर मेहनत के बाद भी लोगों को गरीबी में जीवन यापन करना पड़ता है। परंतु अब केले की खेती को करके कुछ किसानों ने, कुछ लोगों ने इस मिथक को तोड़ दिया है। ऐसे ही एक शख्स हैं बहराइच के गुलाम मोहम्मद, जो केले की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। पेश है बहराइच से दयाशंकर शुक्ला के साथ संतोष मिश्रा की यह रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के तराई जिलों में केला अच्छी आमदनी वाली फसल के रूप में उभरा है। किसान इससे लाखों की कमाई कर रहे हैं। केले पर प्रति एकड़ 1 लाख रुपए की लागत आती है और 2.5 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा भी होता है। आमतौर पर हमारे देश में खेती को एक ऐसा पेशा माना जाता है जहां कठोर परिश्रम के बाद भी गरीबी की जिंदगी ढोनी पड़ती है, लेकिन कुछ लोगों ने केले की खेती से खासा धन कमाकर इस मिथक को तोड़ा है। आपको बताते चले कि 1972 में लखनऊ विश्वविद्यालय से बायोकेमिस्ट्री में एमएससी करने वाले बहराइच के कृषि व्यवसायी जयसिंह ने कृषि को व्यवसाय में बदल दिया है। वो कहते हैं कि मैंने केले की खेती की शुरुआत 1981 में देसी केले के पौधे के साथ की। उसके बाद टिश्यू कल्चर की शुरुआत हुई तो उसे अपना लिया और आज जयसिंह तकरीबन 50 एकड़ जमीन में केले की खेती कर रहे हैं और प्रति एकड़ 2.5 लाख रुपये तक का शुद्ध मुनाफा भी कमा रहे हैं। ऐसे ही एक और किसान है बहराइच के ही जवरल कस्बा निवासी गुलाम मोहम्मद, जो पहले 90 रुपये रोज के एक किराने की दुकान पर काम करते थे। उसके बाद उन्होंने सन 2000 में केले की खेती को अपनाया और आज इनके 2 बेटे इंजीनियर हैं और बाकी के बच्चों को भी उच्च शिक्षा दिलवा रहे हैं। पहले तो हम एक किराने की दुकान पर 90 रुपये महीने काम किया है। उसके बाद धीरे धीरे धान, गेहूँ, गन्ना बोना शुरू किया। फिर सन 2000 से केले फसल की तरफ बढ़े। केला लगाया थोड़ा सा, उसमें अच्छा फायदा दिखा, तब से फिर हम लोग केला कर रहे हैं।
आज हमारे पास केला 18 एकड़ लगभग केला है और 16 एकड़ आलू करने जा रहे हैं। पोल्ट्री कर रहे हैं, 17,000 लेयर पोल्ट्री कर रहे हैं। मछली पालन है पेंगेसियस, 16,000 बच्चे पेंगेसियस मछली के हैं। यह इनकी मेहनत का ही परिणाम है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2008 में तथा गुजरात सरकार द्वारा वर्ष 2017 में इन्हें पुरस्कार से भी नवाजा गया। गुलाम अपनी फसल को अन्य राज्यों जैसे दिल्ली पंजाब में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर सम्मानित किया गया था प्रदेश सरकार द्वारा, जिसमें प्रदेश में दूसरा स्थान मिला था केला उत्पादन में। उसके बाद फिर और भी पुरस्कार मिले हैं जिला स्तर पर, और गुजरात सरकार की तरफ से अगले साल 30 मई को सम्मानित किया गया था। गुलाम मोहम्मद कहते हैं कि जिले के किसान पहले गन्ने की खेती करते थे, लेकिन चीनी मिल बंद होने के कारण किसानों को गन्ना बेचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। किसानों ने गन्ने की खेती छोड़ केले की खेती अपना ली, जिससे मुनाफे के साथ साथ दिक्कतें भी दूर हुई, क्योंकि तैयार केला मार्केट में बहुत आसानी के साथ बिक जाता है। एक एकड़ में लगभग 1200 पौधे लगते हैं। 2 एकड़ में केले की खेती करके 360,000 रुपये तक कमाई जा सकते हैं। केले के खेत में अन्य और फसल बोकर भी इसमें खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। कुछ किसान केले की खेती के साथ और भी कई तरह की खेती करते हैं। वे बताते हैं कि अगस्त महीने में गोभी की खेती करते हैं, साल भर पत्ता गोभी की खेती करते हैं, और केले की खेती रकबा जिले में हर साल बढ़ता जा रहा है, जिस कारण केले की खेती का रकबा हर साल कस्बे में बढ़ता जा रहा है। एक ओर जहां केले की खेती को लेकर किसानों में उत्साह बढ़ रहा है, वहीं कई नामी ग्रामी कंपनियां टिश्यू कल्चर के पौधों को बेचने के लिए बाजार में उतर रही हैं। इसी कारण बेरोजगारों का अभी केले की खेती के प्रति दिन प्रतिदिन रुझान बढ़ रहा है, जो निश्चय ही देश और प्रदेश के लिए एक अच्छी खबर है। दोस्तों, अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। उत्तर प्रदेश सरकार वर्षों से लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा कर रही है। इसी कड़ी में योगी सरकार के अथक प्रयासों से श्री नरेंद्र मोदी ने बाणसागर परियोजना को 15 जुलाई 2018 को किसानों को समर्पित किया। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की घोषणा की, लगभग 1,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की बाणसागर सिंचाई परियोजना के लिए प्रदान किए। ये महत्वाकांक्षी परियोजना यूपी के मिर्जापुर और इलाहाबाद जनपद के किसानों के लिए लाइफलाइन भी कही जा रही है। इससे हलिया, लालगंज, नारायणपुर, जमालपुर, कोराव, मेजा एवं मांडवा क्षेत्र बहुत लाभान्वित होगा। जिस तरह दशकों से रुकी पड़ी इस परियोजना को प्रदेश सरकार ने तेजी से पूरा किया, वह एक मिसाल है। आदिनाथ ग्रुप ऑफ कॉलेज BTC, BEd, BPed, BSc, BCom, BA में उच्च शिक्षा ग्रहण करने का बुंदेलखंड का सर्वोत्तम संस्थान। विशाल का एक क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय, खेलकूद और कंपटीशन क्लासेस समेत छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास पर जोर। आदिनाथ ग्रुप ऑफ कॉलेज नवीन गल्ला मंडी के पास, झांसी रोड, महर्रा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। समस्त बरेली वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सब अपने शहर बरेली को स्वच्छ एवं सुंदर बनाएं। आपसे सिर्फ यही निवेदन है कि टैक्स का भुगतान समय पर करें, और अब तो ऑनलाइन अपना टैक्स जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन जमा करें, नगर निगम में आके जमा करें, क्योंकि अगर आप टैक्स जमा करेंगे तो बरेली में ही वो पैसा लगेगा और आप ही की सुविधाएं बढ़ेंगी। तो आप लोग अपना टैक्स समय पर जमा करें, नगर निगम सदैव आपके साथ है, हमेशा आपके साथ। सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। महालक्ष्मी आप सभी को सुख समृद्धि एवं संपन्नता प्रदान करे। मैं मंडी सचिव उरई अरुण कुमार यादव, समस्त व्यापारी भाई, समस्त किसान एवं उरई जिले के समस्त अधिकारी गणों को दीपावली की तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। समस्त देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी आप सभी को धन, यश और समृद्धि प्रदान करें। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की ओर। हमारे देश में बहुत से शख्स ऐसे हैं जो संसाधनों की कमी और व्यवस्था का रोना नहीं रोते, बल्कि वह अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के द्वारा समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसा ही अनूठा कर दिखाया है जनपद हरदोई के कुछ अध्यापकों ने, जिन्होंने स्कूल के प्रति बच्चों का आकर्षण बढ़ाने के लिए किसी ने स्कूल को बस की तरह बना डाला तो किसी ने ट्रेन का रूप दे दिया।
पेश है हरदोई से मोहम्मद आसिफ की यह रिपोर्ट। यह तस्वीर है हरदोई के संडीला विकास खंड के प्राइमरी स्कूल जलालपुर की। यहाँ के प्रधानाध्यापक और उनकी टीम ने रंग रोगन कर स्कूल को एक बस की तरह बना दिया है। स्कूल देखने में लगता है कि कोई नई बस खड़ी है, लेकिन हकीकत यह है कि यह कोई बस नहीं बल्कि एक प्राइमरी स्कूल है, जिसे प्रधानाध्यापक और स्कूल की टीम ने रंग रोगन कर नया रूप दिया है। यहाँ आप यह भी देख सकते हैं कि यहाँ के समस्त शौचालय भी खूबसूरत नजर आ रहे हैं, जिनमें बच्चों के हाथ धोने के लिए वाश बेसन का भी इंतजाम है। पढ़ने वाले बच्चों के कमरे भी खूबसूरत दिख रहे हैं। दरअसल बच्चों में स्कूल के प्रति आकर्षण पैदा करने के उद्देश्य से यह सब किया गया है, ताकि स्कूल आने पर उनका मन प्रफुल्लित रहे और वो मन लगाकर पढ़ाई भी कर सकें। इससे पढ़ाई का स्तर भी अच्छा हुआ है। बस के माध्यम से स्कूल को मॉडल स्कूल के तौर पर पेश किया गया है, जिससे स्कूल को एक नई शक्ल के साथ बच्चों के आकर्षण का केंद्र बनाकर उनका ध्यान पढ़ाई के प्रति आकर्षित किया जा सके। कोई भी सरकारी स्कूल इंग्लिश नहीं थे, जिससे सभी बच्चे कॉन्वेंट स्कूल या दूर दराज इलाकों पे विद्यालयों में जाते थे, जिससे समस्या ये आती थी कि गांव के बच्चों को इंग्लिश माध्यम में शिक्षा नहीं मिल पा रही थी। जबकि प्रेजेंट टाइम पे हम लोग जनरल भाषा भी यूज करते हैं, तो उसमें कई इंग्लिश के वर्ड यूज करते हैं। तो इस आइडिया को गवर्नमेंट ने लाया और पहले प्रोजेक्ट के रूप में हर ब्लॉक से 5-5 स्कूल इंग्लिश मीडियम किए गए, जिसमें हमारा स्कूल भी आता है, प्राइमरी स्कूल PS जलालपुर के रूप में। और इसमें जब ये स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले कठिनाई यही आई, क्योंकि हिंदी मातृभाषा है यहाँ की और सभी बच्चे हिंदी में ही बोलते थे, तो सबसे पहले यही कठिनाई है कि उनको कैसे इंग्लिश एनवायरनमेंट दिया जाए। तो हम लोगों को ये है कि थोड़ी कठिनाई ये होती है कि उनको बच्चों को हिंदी में ही बताना पड़ता है और इंग्लिश में ही बताना पड़ता है, लेकिन ये कठिनाई मेनली हमारी क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 के लिए है। यहाँ हम आपको बता दें कि जिले के प्रत्येक ब्लॉक में 5 स्कूलों को इंग्लिश मीडियम किया गया था। उसी के तहत विद्यालय इसी सत्र यानी अप्रैल से इंग्लिश मीडियम से संचालित किया गया है। अध्यापकों ने बताया कि नए सत्र से कक्षा 1 के बच्चों को शुरुआत से अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ाई करवाई जा रही है, और इसके बाद इसके अलावा 2 से 5 तक के बच्चों को पहले इंग्लिश और उसके बाद उसी को हिंदी में पढ़ाया जाता है, ताकि वे भली भांति समझ सकें। अध्यापकों की इस पहल को ग्रामीणों ने सराहा है और पूरे सहयोग की बात कर रही है, क्योंकि स्कूल के कमरे को बस के रूप में तैयार करवाया गया है। कक्षा को बस के रूप में देखकर बच्चे खुद ही इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। कमरों के आगे विभिन्न डिजाइन बनाई गई है। इसके साथ ही प्रधानाचार्य हर समय स्टाफ को साथ लेकर स्कूल की साफ सफाई सहित पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं। अध्यापिका का कहना है कि कुछ नया करने की चाह में उन्होंने स्कूल के स्टाफ की सहायता से रंग रोगन कर इस स्कूल को बस का लुक दिया है। इससे बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जन सहयोग से ग्राउंड में प्लेटफॉर्म बनाने की भी कोशिश की जाएगी। तथा हमारे टीचरों का काफ़ी सहयोग मेहनत रहती है और हमने बच्चों को आकर्षित करने के लिए विद्यालय में उसको हमने बस का रूप दिया है। मैंने संडली आज 10 क्लास 5 प्राइमरी स्कूल जलालपुर। मेरे स्कूल में इंग्लिश मीडियम इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ाई जाती है। हमारे स्कूल हमारा स्कूल प्राइमरी स्कूल इंग्लिश मीडियम हो गया है। वाटर नोटी बॉय वॉस्ट मैं स्कूल में हिंदी इंग्लिश पढ़ाई होती है। हरदोई जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर इस प्राथमिक विद्यालय की इमारत काफ़ी पुरानी है। प्रधानाध्यापक कृष्ण गोविंद सिंह ने सोशल मीडिया पर एक शानदार तस्वीर विद्यालय की देखी तो अपने विद्यालय को भी आधुनिक बनाने का संकल्प ले लिया। उन्होंने वही फोटो अपने साथी अध्यापकों को दिखाई और सहयोग की बात कही, जिसके बाद इस तस्वीर को विद्यालय पर उकेर दिया गया। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली बच्चों को फ़ायदा है, क्योंकि जब बच्चे ऐसा अच्छा माहौल मतलब क्रिएटिव माहौल देखते हैं अपने आसपास, तो वो खुद ही उनको बुलाना नहीं पड़ता, गांव से अपने आप आते हैं बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए, क्योंकि ये उनको एक अच्छा माहौल और इंटरेस्टिंग एनवायरनमेंट देने के लिए बहुत अच्छी पहल है। तो इसलिए हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं इस चीज़ को लेकर। इससे जो है बच्चों पे काफ़ी अच्छा असर पड़ा है। बच्चे जो हैं पहले से बहुत ज़्यादा अब आने लगे हैं स्कूल, बीच में नहीं आते थे तो अब आने लगे हैं, और बच्चों को नई चीज़ देख के बहुत अच्छा लग रहा है। इस विद्यालय पर पहुंचते ही विद्यालय भवन अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। पूरे विद्यालय भवन पर पेंट के माध्यम से बनवाई गई चित्रकारी से बच्चों का मन स्कूल में लगता है। इस स्कूल को एक ट्रेन के डब्बे की तरह से बनाया गया है, जिसे देखकर यह एहसास होता है कि स्कूल नहीं बच्चे डब्बे में बैठे हुए हैं। बच्चे भी अच्छी तरह से पढ़ाई करते नजर आते हैं। अध्यापकों का कहना है कि यदि इसी प्रकार सभी विद्यालय अपने बच्चों के लिए स्कूल को किसी बस या ट्रेन का लुक दें तो वहाँ पर क्रिएटिविटी आ सकती है, जिससे स्कूल से दूर भागने के बजाय बच्चे स्कूल ज़्यादा आना पसंद करते हैं। इस मामले में BSA हेमंत राव कहते हैं कि अध्यापकों का प्रयास बहुत सराहनीय है। कुछ शिक्षकों द्वारा
छात्रों को और अभिभावकों को आकर्षित करने के लिए नए नए नवाचार किए जा रहे हैं। उसके अंतर्गत हो सकता है कि यहाँ के शिक्षकों के माध्यम से यह प्रयास किया जा रहा है। प्रयास बहुत ही सराहनीय है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते पुनः एक बार आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में ही पटाखे चलाएं, साथ ही यह एहतियात बरतें कि आपको और वायुमंडल को कोई हानि ना हो। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे मनोज पुरोहित को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे नगर निगम बरेली। स्वच्छ बरेली, सुंदर बरेली।